हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। और स्वागत है आपका अमित पाल गडरिया ब्लॉग्स में। और काफ़ी दिनों बाद ये ब्लॉग्स बन रहा है और हम लोग भी आए हैं यहाँ पर अमित के घर। और ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे ये आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं। हमने पाल फैमिली ब्लॉग्स के ऊपर पूरा अपडेट आपको बताया है और सभी जानकारियाँ दी हैं कि हमारे साथ क्या हादसा हुआ था। और अभी भी अमित को थोड़ा सा एनकरेज कर रहे हैं, उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं ताकि वो अपना व्लॉग कंटिन्यू कर सके। काफ़ी दिन हो गए हैं, लगभग 20-25 दिन। और जो लोग आप में से नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि अमित की मम्मी और हमारी भाभी ये सतीश भाई साहब हैं, मेरे रियल ताऊ के लड़के। और इनकी वाइफ हमारी भाभी अब हमारे बीच नहीं रही हैं। ये 5 तारीख की बात है, 5 मई की। 5 मई का दिन हमारे लिए कुछ ऐसा लेकर के आया कि जिसके जख्म तो भर जाएंगे लेकिन निशान बाकी रह जाएंगे हमेशा के लिए। और कोरोना के चलते वो हमें छोड़कर चली गई हैं, हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन क्या है कि ज़िंदगी है, इसे लेकर आगे बढ़ना होगा और जीना भी होगा। और यहाँ पर अमित के घर हम लोग रोज आते हैं, माँ यहीं पे रहती है। आप देख रहे हैं हमारी बुआ जी ये बीच में बैठी हुई हैं, ये भी उस दिन से यहीं पर हैं। और आप समझ सकते हैं कि बच्चों का जीवन बिना माँ के कैसा हो जाता है। और यहाँ पर इन्हें सहारा देने के लिए, इन्हें सपोर्ट करने के लिए, इनका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बड़े और हम लोग भी यहाँ पर रहते हैं और ज़्यादातर टाइम इनके साथ बिताते हैं। क्योंकि आप सब जानते ही हैं जीवन है, इसे जीना तो पड़ेगा ही हर हाल में। और यहाँ पर एक बार मैं बता दूँ आपको, बबली सब जानते ही हैं, अमित अमित को आप सब जानते ही हैं, इन्हीं का ये चैनल है। और ये हमारी बुआ जी हैं उधर, पूजा, और ये गगन भाई साहब और अंकित। सोनिया भी आई थी, वो चली गई हैं आज। और ये चारों बच्चे जो हैं अभी अनमैरिड हैं, केवल सोनिया की शादी हुई है और वो भी काफ़ी दिन यहाँ पर रही है। बहुत सारा दिया है उसने भी अपने भाई बहनों को, लेकिन क्या है कि उसकी शादी हो रखी है तो वहाँ को भी देखना होगा और वहाँ पर ससुराल में उसे जाना ही होगा। तो अमित को एनकरेज करने के लिए और इसे सपोर्ट करने के लिए और इसका मार्गदर्शन करने के लिए और इसका व्लॉग कंटिन्यू करवाने के लिए ये वीडियो आज हम इसके साथ बना रहे हैं यहाँ पर। वैसे तो हमारा आना जाना उसी दिन से लगा हुआ है, लगभग 20 दिन पहले की बात है, वो 5 मई की बात थी। और यहाँ पर जो है इनके पास माँ, हमारी चाची और हमारी बुआ जी, ये तो कंटिन्यू रहती ही हैं और हम लोग भी यहाँ पर आते रहते हैं हाल चाल जानने के लिए। क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है कि परिवार का साथ खड़ा होना इसमें बहुत ज़रूरी होता है और काफ़ी हौसला मिलता है। आप बच्चों को इन्हें देख ही रहे हैं। तो कई दिनों पहले हमने अमित को बताया था कि व्लॉग्स जो है धीरे धीरे कंटिन्यू कर ले, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो इसलिए हम लोग आज आए हैं। और हम जो हैं इसे सपोर्ट करेंगे जहाँ तक भी होगा और भगवान हमें जहाँ तक काबिल बनाएगा इन बच्चों को, सहारा, सपोर्ट, आशीर्वाद जो कुछ भी बन पाएगा। और आशा करते हैं कि आप सब लोग भी इन्हें सपोर्ट करेंगे, आशीर्वाद देंगे, दुआएं देंगे। तो 5 मई को जो हुआ वो हमने आपको बताया भी था, आप लोगों ने काफ़ी दुआएं की, बड़ों ने काफ़ी आशीर्वाद भी दिया, लेकिन भगवान को ऐसा ही मंजूर था। आपकी दुआओं के लिए धन्यवाद, लेकिन ये होनी थी,
और होने को टाल कौन सकता है, ये किसी के बस की बात नहीं होती। ये एक चीज़ ऐसी है जहाँ पर हर इंसान हेल्पलेस हो जाता है, असहाय हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर जितने घर में लोग अवेलेबल थे, यहाँ पर हम सब बैठ गए हैं और ये बच्चे भी मैंने सबको बैठा लिया है। पूजा है, अब इसे देखना होगा। यहाँ पर ज़्यादातर कार्यभार इसके ऊपर रहेगा, क्योंकि आप समझते ही हैं घर चलाना। घर चलाने में एक लेडी का अहम किरदार होता है, और बच्चे हैं, काम करने बाहर जाएंगे। भाई साहब हैं हमारे, ये शुगर मिल में नौकरी करते हैं। अमित है, अमित ने भी अप्रेंटिस की है शुगर मिल में, और आगे कहीं जॉब के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं हुई है शुगर मिल में इसकी, तो तब तक ये सेक्रेटरी के पास जाता है वहाँ पर। और अंकित है, ये संविदा पे पावर हाउस में नौकरी करता है। और गगन है, अभी घर पे ही रहता है, ये पढ़ाई कर रहा है। तो ये इन बच्चों का प्रोफाइल है अभी तक का, और आगे आपके आशीर्वाद और आपकी दुआओं की ज़रूरत है ताकि ये बच्चे और मेहनत करके कुछ और मुकाम हासिल कर सकें और कुछ और कामयाबी हासिल कर सकें। और फ़िलहाल जो है बस इतना ही, ज़्यादा बातें जो है इस बारे में नहीं कर पाते। और हमने ही आपको अपडेट पहले भी दिया था और अभी भी मैं बता रहा हूँ। आज हम आए थे काफ़ी देर पहले, लगभग 3-4 घंटे हो गए, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत जुटा के अभी बैठे हैं हम और सोच रहे हैं आप लोगों को अपडेट दे दें और इसे थोड़ा सा कंटिन्यू कराएं लोग को अमित के। और यहाँ पर मैं बताऊँ, जिस घर में अभी हम बैठे हैं ये हमारा पुश्तैनी घर है, और जहाँ पर हम रहते हैं पाल फैमिली ब्लॉक्स, जिस घर में आप देखते हैं वो हमारा बाद का खरीदा हुआ घर है, लेकिन ये हमारा पुश्तैनी घर है जहाँ पर भाई साहब रहते हैं बच्चों के साथ में। तो अभी कुल मिला के ये है कि ज़्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि हमने सब कुछ आपको बता ही दिया था, पहले अपडेट दे दिया था। आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं अमित की मम्मी, इन बच्चों की मम्मी, वो हमारे बीच अभी नहीं है। समय के साथ उबरना होगा इस चीज़ से, जख्म तो बढ़ जाएंगे लेकिन निशान उसके। तो चलिए बस इतना ही कहना चाहेंगे हम लोग कि इन बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, इन्हें सहारा दीजिए ताकि इनका हौसला बना रहे, और हमें भी भगवान इस काबिल बनाए कि हम जो है इनके सपोर्ट में खड़े रहें। तो बाकी बातें बाद में करेंगे, और थोड़ा सा हौसला अफजाई करेंगे और मार्गदर्शन करेंगे अमित का कि लोग अपना कंटिन्यू रखें। तो इसी के साथ में बस आज इतना ही, बाकी फिर आपसे बातें करते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी दुआएं और आशीर्वाद पहले भी देने के लिए, और हमेशा अभिलाषी रहेंगे इस चीज़ के, आपके आशीर्वाद और दुआओं और सपोर्ट के। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर बातें करते हैं। धन्यवाद।